गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में गन पॉइंट पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटे गए 2 मोबाइल फोन और 1 लेनोवो टैबलेट बरामद किया है। तो एनसीआर क्षेत्र में गन पॉइंट पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर को गिरफ्तार किया है। कहां से गिरफ्तारी की है, क्या अपराधी इतिहास है, क्या इसे रिकवर किया है? ये थाना इंदिरापुरम में कुछ दिनों पहले ओला कैब को रोककर ओला ड्राइवर के पास जो ओला कंपनी द्वारा दिया गया टैब रहता है वो छीन लिया गया था, और उसके अलावा भी 2-3 घटनाएं हुई थी। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा, जिनके पास से 2 लूटे हुए मोबाइल फ़ोन और 1 लूटा हुआ ओला का टैब बरामद हुआ है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि इनके 4-5 लोगों का गिरोह है जो कि बदल बदल कर आकर यहाँ इंदिरापुरम क्षेत्र में और दिल्ली क्षेत्र में घटना करते हैं। जैसा मैंने बताया, इनके पास से 3 डिवाइसेज अभी बरामद हुए हैं और इनके कुछ साथी हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई। सर, किस तरह से घटना को जनरली ये रात में ऑपरेट करते हैं, अंधेरा हो जाने के बाद मोटरसाइकिल पर आकर सुनसान एरिया में, यदि कहीं कोई कैब खड़ी है या फिर कोई लोग पैदल चल रहे हैं तो उनको ये टारगेट बनाते थे। जो कि अभी इन्होंने पूछताछ में बताया है, ये जो भी माल लूट के ले जाते थे उसको बेच के ये अपने नशे में उसके पैसे को लगाते थे, और नशा करके ही ये घटना करने भी आते थे। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तब भी ये नशे की हालत में पाए गए।